प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, लाइन ऑर्डर उसी के हाथ में है, उसको देखना चाहिए था। उसके राज में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो, तो इसका नकल कर रही है वो। देखिए कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है, वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक ऐसे हो रही है बंगाल में। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संदीप सिंह। कोलकाता में जिस प्रकार से महिला चिकित्सक के साथ पहले गैंगरेप हुआ फिर उनकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। तमाम जो डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में सेवाएं ठप पड़ी हुई है। इसको लेकर के जब अभी अभी भारत सरकार में मंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया गया तो जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकार को इसमें एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही साथ इस मसले को लेकर और भी क्या कुछ करें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए कलकत्ता का जहाँ तक सवाल है और डॉक्टरों का जहाँ तक सवाल है, घटना हुई है वो दुखद है, वहाँ की सरकार को लेना चाहिए एक्शन, नहीं ले पा रही वहाँ की सरकार। और कल दिल्ली में भी डॉक्टरों का बहुत बड़ा ये आंदोलन था, हम लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब है कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ऐसे ऐसे वारदातों में, नहीं तो राज्य सरकारें फेल एक ऐसे हो रही है बंगाल में। ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे सरकार में रहते हुए, क्या लगता है प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, लाइन ऑर्डर उसी के हाथ में है, उसको देखना चाहिए था। उसके राज में इस प्रकार की घटना घट रही है तो प्रोटेस्ट क्या कर रही हो, तो इसका नकल कर रही है वो। तो आपने सुना कि साफ तौर पे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि राज्य सरकार से ये जो राज्य है कोलकाता वो संभल नहीं रहा है, इसमें केंद्र सरकार को जो है हस्तक्षेप करना चाहिए और जांच करनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा रूप ले रहा है, कल दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ है और बिहार में भी कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है वो नकल कर रही है, दिखावे कर रही है, जिसके राज्य में ही घटना हो और वो ही प्रोटेस्ट करे, ये इस दिखावे की राजनीतिक है, वो नकल कर रही है। साथ ही साथ इस मसले को लेकर और भी क्या कुछ करते जीतन राम मांझी आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।